नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल स्टॉक में आपका स्वागत है। उन्नाव उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है जो कानपुर से 18 किलोमीटर तथा लखनऊ से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तकरीबन 1200 साल पुराने इस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। इस शहर में गंगा नदी और साई नदी बहती है। मान्यता है कि यहीं गंगा नदी किनारे बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और इसी स्थान पर लवकुश ने राम जी की सेना को हराया था। जिले में 6 तहसील है, उन्नाव, हसनगंज, सपीपुर, पूर्वा, बीगापुर और बागरमऊ हुए। उन्नाव मूल रूप से एक समय व्यापक वन क्षेत्र का एक हिस्सा था। उन्नाव लगभग 2 लाख आबादी वाला एक शहर है और उत्तर प्रदेश राज्य का एक अहम जिला। उन्नाव का मौसम नवंबर से फरवरी तक ठंडा रहता है और इसलिए अधिकांश पर्यटक इस शहर में सर्दियों में जाते हैं। उन्नाव में पर्यटन के लिए बहुत स्थान है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, नवाबगंज पंछी अभ्यारण। उन्नाव में नवाबगंज पंछी अभ्यारण प्राकृतिक विरासत और वन्य जीव में समृद्ध है। नवाबगंज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखे जाने वाले पक्षी अभ्यारणों में से एक है। यह अभ्यारण उन्नाव के पास कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक बैठक का स्थान है। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों में से कुछ इस अभ्यारण में सर्दियों में अपने घर बनाते हैं। अब इस पार्क को चंद्रशेखर आजाद वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, शिव मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 100 साल पहले निर्मित इस मंदिर के बुनियाद ढांचे में अद्वितीय नक्काशी है। मंदिरों की दीवारों को एक सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये मंदिर मोती नगर क्षेत्र के पास स्थित है जो उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 3, निराला पार्क। यह शहर का मुख्य पार्क है जिसमें सुबह और इवनिंग के समय काफी भीड़ देखने को मिल जाएगी। इस पार्क में बच्चों को खेलने कूदने के लिए झूले लगे हुए हैं। नंबर 4, कल्याणी देवी मंदिर। ये उन्नाव में माता कल्याणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। माता कल्याणी को समर्पित इस मंदिर में आसपास के कई शहरों के कई स्थानीय लोगों द्वारा दौरा किया जाता है। आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों से भक्त इस मंदिर में नियमित रूप से दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्नाव रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर विशाल भीड़ को आकर्षित करता है। नंबर 5, माँ चंद्रिका देवी मंदिर, बक्सर। चंडिका धाम में 2 विग्रह स्थापित है जिन्हें चंडिका या अंबिका के रूप में जाना जाता है। इनका मुख गंगा की तरफ है। चंडिका धाम के सीढ़ियों से सटकर हमेशा गंगा जी का जल प्रवाहित होता है। मंदिर में प्रत्येक 3 पहर आरती और माँ का श्रृंगार होता है। इनके अलावा आप उन्नाव में आनंदी मैजिक पार्क और ग्रेजुएशन मंदिर भी देख सकते हैं। उन्नाव सड़क मार्ग और रेल मार्ग से देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। उन्नाव का नजदीकी एयरपोर्ट कानपुर में है। तो दोस्तों, आपको उन्नाव में कौन कौन से स्थान पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।